मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ ब्लॉगर सुहाना शुक्ला और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। कुकर में आलू चढ़े हुए हैं, ये देखो। और अभी कुछ बर्तन यहाँ पर है जो कि हमने चाय बनाई थी और हम लोगों ने पी थी। तो ये आज ना इसमें दाल और चावल रखा हुआ है थोड़ा थोड़ा सा, हम बनाएंगे आज। मैंने पानीपुरी का मसाला भर दिया है, मैं बनाने जा रही हूँ पानीपुरी। मैंने चार आलू निकाले, कुकर में बॉईल कर दिए हैं और पानीपुरी बनाएंगे। मैं कैसी लग रही हूँ ना, बालों में ऑयल लगा हुआ है। तो चलो, इस डब्बे में रखी हुई है इसको पानी पूरी रखी है, पूरी पानी ढूंढते हैं अब अपन। पानी कहाँ है भाई? उसका मसाला ना नींबू भी रखा हुआ है, अच्छा सा हम बनाएंगे। चलो तो ढूंढ। तो ये मिल गया है पानी पूरी का पैकेट। इसकी खुशबू खट्टी खट्टी आ रही है। पानी पूरी बनाएंगे, इसमें ना कुछ और हम अपनी तरफ से ऐड करेंगे, जैसे जीरा हो गया, जीरे को भून करके और अच्छा पीस करके ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसमें काला नमक ऐड करेंगे और एक हरी मिर्च को पीस लेंगे, तो अच्छा पानी पूरी का यानी पानी बन जाएगा तीखा हो गया। और अच्छा बारिश हो रही है। श्रेया तो अपनी फ्रेंड से बात कर रही है आज ना, मेरी श्रेया की बहुत तबीयत ख़राब थी, देखो बात कर रही है, वो तबीयत बहुत ख़राब थी तो उसको ना वॉमिटिंग हो रही थी और अजीब सा लग रहा था, इसलिए ना मैं पानी पूरी बना रही हूँ। आलू रहेगा उसमें और उसका ना थोड़ा सा मुंह का टेस्ट अच्छा हो जाएगा ना। बनाना मुझे ही है, मैं सोच रही हूँ कि मैं ट्राइपॉड लेके जाऊं, वहीं पर आप लोगों से बातें करती रहूंगी। और श्रेया को कुछ ना होता है तो मेरा मन नहीं लगता, मुझे बहुत ख़राब लगता है। तो आज वो ना सुबह से ही ऐसी अनबनी सी थी और मैंने बोला कि ठीक है, अच्छा तुम कोचिंग मत जाओ। उसको सर में दर्द था तो मैंने ऑयलिंग कर दी थी, फिर मैं हल्का फुल्का सा मैंने दाल चावल बनाया, अच्छा हींग डाल करके, और उसी में दो टमाटर डाल दिए थे बॉईल करते समय, तो अच्छे से बनाया और फिर उसने खाया। मैंने थोड़ा सा, मैंने पहले थोड़ा सा खा के देखो, उसके बाद थोड़ा दवाई देते हैं तो थोड़ा तुम्हें ठीक लगेगा, पर आज वो दिन भर सोई है। अच्छा लग रहा, थोड़ा सा ठीक है। तो वो फ्रेंड का कॉल आया है तो उससे बात कर रही है। आलू बॉयल हो गए हैं, ज्यादा कुछ करना तो होता ही नहीं है। यहाँ पर ना मैं दाल गरम कर लेती हूँ। चावल भी रखा है, ज्यादा इसलिए पानी पूरी नहीं बना रही, बिल्कुल थोड़ी बना रही हूँ, जिससे ना मुंह का टेस्ट थोड़ा अच्छा हो जाए और पानी तो नुकसान करेगा ही नहीं। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान,
मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। फ्रेंड्स, जब भी मैं किचन में आती हूँ तो मैं ऐसे ही गुनगुनाते हुए कुछ ना कुछ कुछ भी जो बनाना होता है बनाती हूँ, तो मेरा ऐसे ही समय पास हो जाता है। श्रेया अगर होती है तो वो बातें कर लेती है, अगर नहीं होती, अकेली रहती हूँ तो मैं ऐसे ही गुनगुनाती रहती हूँ। जैसे भजन हुआ या फिर कोई सैड सॉन्ग हुए तो मैं गाती रहती हूँ। आज है करवा चौथ, सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएँ करवा चौथ की, हमारी जितनी सारी बहनें हैं सभी लोगों को, क्योंकि सारे लोग व्रत होंगे, शाम को छत पर जाएंगे, चांद का इंतजार करेंगे। मेरा भी कोई दिन था जब मैं चांद का इंतजार करती थी, पूजा करती थी, मेरे हाथों में भी मैं मेहंदी लगाती थी, श्रृंगार करती थी, अच्छा लगता था। मेरे पास लाल चुन्नी नहीं थी, मैंने लाल चुन्नी करवा चौथ के लिए खरीदी थी और इंतजार करती थी कि कब चांद निकलेगा, क्योंकि भूख तो लगती नहीं थी, बस प्यास लगती थी। और मुझे शुक्ला जी फिर पानी पिलाते थे और वो हमेशा, मेरा जब व्रत टूटता था ना तब वो मुझे फ्रूटी लेकर आते थे और हमेशा की तरह सेव टमाटर की सब्जी बनती थी। पर आज ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हम और हमारी बेटी है। आप सभी लोगों को फिर से एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं करवा चौथ की। आज मेरी बेटी की तबीयत ख़राब है तो पापा जी को याद कर रही थी और बोल रही थी, मम्मी सारे लोग मेहंदी लगा रहे हैं, सारे लोग व्रत रखेंगे और आप अगर पापा जी होते तो आप भी रखते और अपने नए वाले छत से पूजा करते, वहाँ पर नया छत है और वहाँ से चांद भगवान बिल्कुल जल्दी से दिख जाते, पूरे दिख जाते। तो मैंने बोला हाँ, तो बस मैं यानी उसके सामने ज़्यादा उदास नहीं हुई, मन तो दुखी था पर कोई नहीं, शायद भगवान को यही मंजूर था। और यहाँ पर मैं बस उसको खुश करने के लिए, उसका मन था चटपटा खाने का, तो बार बार जैसे कुछ मन होता है तो अपन किसी को भेज देते हैं, पर हमारे पास तो हम किससे मंगाएं, इसलिए हम घर में ही व्यवस्था करके कुछ रखते हैं कि कभी कुछ खाने का मन हुआ तो जैसे हमें मार्केट ना जाना पड़े तो हम घर पर ही बना लें। जैसा भी बनेगा घर पर ही हम श्रेया को बना कर दे रहे हैं, पानी पूरी बना रहे हैं, देखते हैं कैसे बनती है। एक बार उसने बनाई थी, अब मैं बनाऊंगी। तो मैं यहाँ पर बता रही थी कि जब भी आलू बॉईल करना हो तो आलू को कट लगाकर हम कुकर में डाल देते हैं ना, तो आलू जल्दी से छिल भी जाता है और जल्दी से बॉईल भी हो जाता है। तो यही बता रही थी, ये ट्रिक मुझे मेरे हस्बैंड ने बताई थी कि ऐसे आलू बॉईल करोगे, अगर बड़े बड़े आलू बॉईल करने को होते हैं तो वो उसमें टाइम भी लगता है और छीलने में भी थोड़ा सा देरी होती है, तो अगर बीच में से कट कर देते हैं और अपन बॉईल करेंगे तो जल्दी भी छिल जाते हैं और जल्दी बॉईल भी होते हैं। मैंने अपनी कम्युनिटी पर शेयर किया है मेरे करवा चौथ का ब्लॉग, मैं भी वही देखूंगी आज, क्योंकि मैं याद करूंगी उनको, जहां भी हैं वो खुश रहें और हमारे बारे में भी थोड़ा सोचें, क्योंकि उनके सहारे के बिना कुछ भी नहीं हूँ मैं। आज भी उनसे सहारा मांगती हूँ मैं कि जहाँ पर भी वो अपना आशीर्वाद बना के रखना, जो भी हमारे पास दुख मुसीबत कष्ट आए तो उनको अलग करने की कोशिश करना, क्योंकि वो तो सब कुछ कर सकते हैं ना। तो इसलिए मैं उनसे अभी भी कहती हूँ कि सतरंगी मौसम हो या गम के बादल हो, फूलों की सेज हो या कांटों की राहें हो, मेरे हम कदम मेरे हम सफर, राह में छोड़ न जाना, हर कसम तोड़ न जाना, साथी निभाना साथिया, साथी निभाना साथिया। तो ये सॉन्ग ना मैंने उनके लिए एक वीडियो पर भी गाया था और उन्होंने सुना भी है मेरे मुंह से, और उन्हें भी अच्छा लगा था कि अच्छा गाया है तूने, तो उनके लिए फिर से मैंने गाया है, क्योंकि मैं उनको इस दिन दुखी नहीं करना चाहती हूँ। यानी कि जो वो जहाँ से देख रहे होंगे तो बोलेंगे ना कि आज करवा चौथ के दिन इसे उदास लग रहा होगा, मन खराब लग रहा होगा, तो मैं उनके लिए ये सॉन्ग गाई हूँ कि बिट्टू जहाँ भी हो मेरे साथ रहना और साथ निभाना, क्योंकि
तुम्हारे बिना जीना मुश्किल है ये तो मैं जानती हूँ, पर क्या कर सकते हैं, भगवान की मंजूरी, उनका ही सब कुछ लिखा है कि क्या होना क्या नहीं होना। तो मैं बस बोलूँगी कि तुम दूर से ही मेरा साथ निभाओ, जितना भी दुख मुसीबत कष्ट है हमारे ऊपर आएगा तो उसे दूर करने की कोशिश करना, क्योंकि वो सब कुछ कर सकते हैं, पहले भी करते थे अभी भी। बस उनसे यही प्रार्थना है कि अपना आशीर्वाद बना कर रखना। और शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बोल रही हूँ तो शायद वो कहीं से सुन रहे होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है, बाकी नहीं पता। तो सोचो इतना ही गाने में मेरे आँखों में आंसू आ गए, क्योंकि मैंने ना ये जो सॉन्ग गाया वो दिल से गाया उनको याद करके। तो यहाँ पर मैं पानीपुरी का मसाला बना रही हूँ और ये मैंने चम्मच में निकाल लिया था और अच्छा भी लग रहा है। इसमें मैंने एक दो बूंद नींबू की निचोड़ दी हूँ, थोड़ा सा खट्टा पानी होगा और अच्छा भी काला नमक भी मिला दिया है इसमें मैंने। अब आलू है तो यहाँ पर ना आलू ही जो भरते हैं ना, आलू ही भरते हैं, तो मैंने आलू ही बॉयल किए हैं। और हमारे वहाँ जबलपुर में मटर जो रहता है ना, हरा मटर, तो उसमें जो का लाल मटर रहता है वो भरते हैं। यहाँ पर मैंने आलू बॉयल किए हैं। अब ये पानी पूरी सेक ले रही हूँ, तो ये थोड़े पता नहीं इसमें क्या ऐसा मिला होता है कि बिल्कुल से फूल जाती हैं, ये बिल्कुल से बॉल की तरह हो जाती हैं। कैसे क्या बनाते हैं ये लोग, आप लोग देख सकते हो। और इसका टेस्ट वो वाली पानी पूरी जैसा नहीं आता है जैसे अपन वहाँ खाते हैं ना, उसमें थोड़ा सा आटे का स्वाद आता है, इसमें आटे का स्वाद नहीं आता है, इसमें मैदे का स्वाद आता है। तो ये देखो कितनी बॉल की तरह हो गई है, गोल मटोल, और इसको खाने में भी ना मुँह में नहीं बनती है, ये बहुत बड़ी है। और मेरे को तो कभी कभी इसको खाने से ना कट लग जाता है, तो बहुत संभल के खाती हूँ ये वाली पानी पूरी। यहाँ पर काला नमक मिला ले रही हूँ मैं, और ये आलू बॉयल कर ले रही हूँ। ये हरा था इतना तो मैंने अलग कर दिया, वरना वो कड़वा होता, तो मिला ले रही हूँ। और थोड़ा सा मैं रेड मिर्च मिलाऊँगी इसमें, और जीरा जो रहता ना उसको भी क्रश करके मिला दूँगी। तो यहाँ पर प्याज कट कर दिए श्रेया ने, सारी तैयारी हो चुकी है, बस अब हमको हॉल में जाना है। इसमें धनिया पाउडर मिक्स किया है मैंने, तो धनिया पाउडर अच्छा टेस्ट आ जाएगा धनिया पाउडर से। हल्की सी लाल मिर्च, साइड में काला नमक रख लिया है मैंने, और ये थोड़ा सा जीरा क्रश के, ये जो ऐसे ही भुना नहीं है ये ऐसे ही जीरा है, तो इससे अच्छा फ्लेवर आ जाएगा, तो वो आलू मिक्स कर दूँगी। तो ऐसे ही सिंपल सी पानी पूरी बन गई है, तो आइए आप लोग भी खा लीजिए। पर मैं भी कैसा बोल रही हूँ, मेरी बहनों का तो व्रत होगा, और ये एक दिन पहले का व्लॉग है इसलिए मैं आज शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आज ही के आज बनाकर कैसे शेयर कर सकती हूँ। तो ये एक दिन पहले का नाइट का है। तो ये देखो पानी पूरी तैयार है, खट्टा खट्टा पानी, सच में बहुत अच्छी बनी थी। अभी श्रेया खुद बताएगी, तो श्रेया फुल तैयारी मैं खाने के लिए, और उसे कुछ खट्टा सा खाने का मन कर रहा था। हम लोग हॉल में बैठे हुए हैं और श्रेया खा रही है, अब बताएगी कि कैसी बनी है। एक ही मिर्ची मिलाई है मैंने, और थोड़ी लाल मिर्च आलू में डाली है, तीखा ज़्यादा ना हो, बल्कि जबकि ना पानी पूरी तो तीखी पसंद है, पर मैंने इसके कारण सिर्फ एक मिर्च मिलाई है। अब ये बताएगी कि कैसी बनी है। अच्छी बनी है। यानी उस दिन से अच्छी बनी है ना। हाँ मजा आ गई, मजा। यानी मैं जीत गई, जी अच्छा हो गया अब खाने से। चलो ठीक है, तो मैं मुझसे भी अब दे, यानी बाहर वाले बेचारे आज अच्छे अच्छे तरीकों से बनाते हैं। हाँ सही बात है, तो चलो हम भी खाकर देखते हैं कि कैसी बनी है। तो वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और ये मेरा वीडियो को अपने फैमिली ग्रुप फ्रेंड ग्रुप में शेयर करें, जिसमें कि मेरा सपोर्ट हो सके। थोड़ा सा एक दो दिन में व्यूज़ यानी मेरे डाउन हो गए हैं, मेरे को बहुत टेंशन हो रही है
कि कैसे क्या होगा, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, वीडियो को देखें, और मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।